दोस्तों आज अपने पास आया है एक सोनी का 32 इंची का एक एलईडी टीवी। और इसमें कस्टमर का कहना है कि सर इसमें डिस्प्ले में कुछ पिक्चर वगैरह नहीं बनती है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसको बिना देरी किए इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, और इस फॉल्ट को जो है पहले समझते हैं कि फॉल्ट है क्या, उसके बाद में फॉल्ट को रेक्टिफाई यानी कि फॉल्ट को ठीक करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और सबसे पहले इसको मैं पावर सप्लाई में लगाता हूँ, और ये मैंने लगा दिया इसको पावर सप्लाई में, और अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सप्लाई आ चुकी है, और मैं इसकी स्टैंड बाई जो है वो रिलीज करता हूँ। स्टैंड बाई रिलीज करते ही आप देख पा रहे होंगे स्टैंड बाई रिलीज हो चुकी है, और साथ में डिस्प्ले में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर गौर से देखता हूं तो इसमें जैसे ही ये ऑन होती है तो हल्का सा सोनी का एक लोगो दिखाई देता है, जो कि आपको मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर टीवी की स्टैंड बाई रिलीज करते ही अगर टीवी में आवाज आती है और लोगो दिखाई देता है, हल्की सी पिक्चर दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला जो रीजन होता है वो होता है कि इसकी बैकलाइट का डेड हो जाना। दूसरा फॉल्ट होता है कि बैकलाइट जो ड्राइवर होता है उसका डेड हो जाना। तो अपन बारी बारी से दोनों चीजों को अपन देखेंगे। अगर बैकलाइट फॉल्टी होंगी तो बैकलाइट बदल देंगे, और बैकलाइट सेक्शन जो अगर बैकलाइट ड्राइवर अगर फॉल्टी होगा तो अपन उसको बदल देंगे, उसको रिपेयर कर देंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए इसको सप्लाई से हटाते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है, और इसके कवर को खोलते हैं। इसका ये जो कवर आप देख पा रहे होंगे, ये कवर खोलेंगे और यहाँ पे मदरबोर्ड होगा उसको भी बाहर निकाल के चेक करेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि इसके कवर को अगर खोल रहे हो तो जो पेच जहाँ पे लग रहा है उस पेच की आप स्क्रू की पहचान करें और वो स्क्रू वहीं पे लगाएं। ऐसा नहीं कि यहाँ से छोटा स्क्रू खोला और यहाँ पे दूसरी जगह का कोई बड़ा स्क्रू लगा दे तो वो क्या होगा, आपकी डिस्प्ले जो है वो करेक्ट हो जाएगी। सबसे मेन जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि आप खोलते वक्त पेच का स्क्रू का ध्यान रखें, जो जहाँ से खोलें वो वहीं पर लगाना है, नहीं तो आपके साथ नुकसान हो जाएगा, डिस्प्ले वगैरह करेक्ट हो जाएगी। तो मैं खोल लेता हूँ, सभी पेच हैं इसमें वो खोल लेता हूँ। कवर के मैंने सभी स्क्रू जो खोल लिए हैं, और ये आपका मदरबोर्ड दिख चुका है अपने को। और इस मदरबोर्ड में ये देख पा रहे होंगे ये बैकलाइट सेक्शन है, और बैकलाइट पे यहाँ है सप्लाई जा रही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पे वोल्ट मीटर को डीसी 600 वोल्ट की रेंज में सेट कर लेंगे, और इसको सप्लाई में लगा के देखते हैं कि क्या यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई बूस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, वो सप्लाई सबसे पहले चेक करेंगे अपन। अगर हो रही है तो स्टार्टिंग के टाइम पर जैसे स्टैंड बाई रिलीज करते हैं और वहाँ पे 90, 100 या 70, 80 वोल्ट कुछ भी जो है 45, 50 जो भी है वो अगर बूस्ट हो रहे हैं एक बार के लिए तो समझेंगे बैकलाइट सेक्शन सही है, और जो बैकलाइट जो है वो ख़राब है। तो अपन चेक करते हैं कि इसमें बैकलाइट ही ख़राब है या बैकलाइट ड्राइवर ख़राब है। देखो टीवी को लगा लिया मैंने पावर सप्लाई में, और वोल्ट मीटर को डीसी रेंज पे सेट करके पहले से ही डीसी 600 वोल्ट रेंज पे रखा है, और मल्टीमीटर की दोनों मैंने प्रोड लगा रखी हैं बैकलाइट सेक्शन के ऊपर प्लस और माइनस पे। मैं देता हूँ स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैं बैकलाइट स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ, और आप इधर देख पा रहे होंगे इधर 66, 50, 55, 54, 48 वोल्टेज बूस्ट होते हैं। देखो देख पा रहे होंगे इसका मतलब ये है कि अपना बैकलाइट जो है, बैकलाइट जो ड्राइवर है, बैकलाइट सेक्शन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है और अपनी बैकलाइट फॉल्टी है। बैकलाइट को चेक करने का अपने पास दूसरा भी एक तरीका है, उसके माध्यम से भी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि बैकलाइट खराब है या फिर बैकलाइट ड्राइवर। तो फॉर्मूला नंबर 2 है, उसको अपन करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये है मेरे पास बैकलाइट टेस्टर है, और इसको मैंने पावर सप्लाई में लगा दिया है, और ये जो बैकलाइट की जो लीड है इसको निकाल लेते हैं अंदर से। बैकलाइट की ये जो बैकलाइट के अंदर जा रही है ये सप्लाई, ये लीड, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पहले से ही ये बैकलाइट की दो सप्लाई होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये लगा लेंगे और फिर टीवी को ऑन करते हैं कि क्या टीवी ऑन होता है या नहीं होता है। तो मैं दोनों जो प्लस और माइनस जो लीड है यहाँ पे लगा लेता हूँ। पहले एक बार मैं बैकलाइट टेस्टर को सप्लाई से हटा लेता हूँ, अब लगाता हूँ। देख पा रहे होंगे
प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस बैकलाइट ड्राइवर को अपन ने जोड़ दिया है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, टीवी को भी पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और बैकलाइट ड्राइवर को भी यहाँ मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बैकलाइट में सप्लाई आ चुकी है और आप देख पा रहे होंगे, इसको अच्छे से लगाते हैं थोड़ा, जितने दिन चलता हो। तो बैकलाइट ड्राइवर ये टेस्टर को अपन ने लगाया तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बैकलाइट जो लाइट है वो ही खराब है, वो ही फॉल्टी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब अपने को ये क्लियर हो चुका है कि बैकलाइट सेक्शन ओके से बढ़िया से काम कर रहा है, लेकिन बैकलाइट जो है वो काम नहीं कर रही है। अब बिना देरी किए अपने इसकी डिस्प्ले को खोलते हैं और बैकलाइट जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं। दोस्तों बैकलाइट लगाते इस टाइम पे आप डिस्प्ले को बहुत ही सावधानी से खोलना है आपको, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो आप डिस्प्ले को तोड़ देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ से ये टेस्टर वगैरह हटा लेते हैं और जल्दी से इसकी बॉडी को खोलते हैं। मैंने जो वोल्टेज बैकलाइट जो ड्राइवर है उसकी वोल्टेज इस एलईडी लीड को हटाने के बाद में भी चेक किए हैं तो यहाँ पे वोल्टेज जो है बूस्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर है, साफ साफ है कि बैकलाइट सेक्शन अच्छे से काम कर रहा है, ड्राइवर अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन बैकलाइट फॉल्टी है। ये इस स्पीकर को अपने यहाँ से खोलिया है और इसको टीवी से अलग कर लेते हैं। अब ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये है पीसीबी स्केलर दोस्तों। इसको बहुत ही सावधानी से, इसका ध्यान बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अगर ये बार बार हिला ना तो आपकी कोप खराब हो जाएगी और एलईडी की डिस्प्ले ही खराब हो जाएगी, फिर कोप बनवानी पड़ेगी तो कोप का चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए इसका पीसीबी कोप का आप ध्यान रखें। दोस्तों स्पीकर के जितने भी लीड थी कनेक्शन थे वो हटा लिए हैं, अब हटानी है अपनी एलवीडीएस। एलवीडीएस हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, ये ब्लैक कलर का आप लॉक देख रहे होंगे, इस लॉक को ऊपर उठाना है और हल्के से हाथ से एलवीडीएस को साइड में रख देना है। अब बच गई आपकी कोप, तो कोप आपकी टूट ना जाए इसके लिए आपने पास एक टेप होनी चाहिए और उस टेप के माध्यम से आपको करना क्या है, इस तरह से काट के और हल्का सा इस कोप के ऊपर चिपका लेंगे। इससे क्या होगा, अगर कोप थोड़ी बहुत हिल भी जाती है तो कम से कम इसके प्रिंट ना उखड़े, ये बचाव हो जाएगा, ठीक है। और इसको हल्के से हाथ से यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। अब सबसे पहले आपको जितने भी पेच हैं, स्क्रू हैं डिस्प्ले के साथ, ये देखो ये है, जितने भी आपको दिख रहे होंगे उनको सभी को आपको यहाँ से खोलना है प्यार से, बिल्कुल हल्के हाथों से, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती करें। जैसे अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे तो आपकी जो डिस्प्ले, हमने यहाँ से जितने भी पेज थे वो हमने खोल लिए हैं और अब जो है इसको थोड़ा सा उलट लेते हैं और बारी बारी से ये जितने भी लॉक हैं, ये लॉक जितने भी हैं इन लॉकों को अपन यहाँ से निकालते हैं और डिस्प्ले को के ऊपर जो रिंग लगी हुई है इस रिंग को अलग करने की कोशिश करते हैं। ये रिंग जो है इसमें लॉक होते हैं, ये हल्के हल्के हाथों से इस टाइप से खोलने हैं आपको, जूम करके दिखाएं आप थोड़ा, ये यहाँ पे लॉक होते हैं, इन लॉकों को हल्के हाथ से हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है, जितने भी लॉक होते हैं उनको हटाना है आपको। अपन ने हटा दी है, अब ये दो मेरे पास वैक्यूम है, एक को यहाँ पे रख के पुश कर देते हैं और दूसरे को यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा रख के प्रेस कर देते हैं और डिस्प्ले को ऐसी के ऐसी उठा लेते हैं। डिस्प्ले बिल्कुल प्यार से उठानी है, ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, और इसको बिल्कुल साफ सुथरी और प्लेन जगह पे रखना है, अन्यथा आप डिस्प्ले करेक्ट हो जाएगी। डिस्प्ले को मैंने ना बिल्कुल प्लेन सतह पे रख लिया है और अब आप देख पा रहे होंगे ये पीछे इसके रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और रिफ्लेक्टर की भी एक रिंग लगी हुई है, इस रिंग को यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद में आपको बैकलाइट दिखाई देगी। रिफ्लेक्टर की ये ऊपर रिंग दिख रही है आपको, इस रिंग को हटा लेना है, लॉक इसमें भी लॉक होते हैं, लॉक को इस टेस्टर के माध्यम से निकाल लें, स्टेप बाय स्टेप सभी लॉक हटाने हैं आपको और उसके बाद में बैकलाइट आपको दिख जाएंगी। ये मैं लॉक हटा लेता हूँ इसके, अब आप कोई भी दिक्कत नहीं है, अब आपके पास खराब होने वाला कोई भी आइटम नहीं है, वो जो खराब होने वाला आइटम था वो ओनली फॉर डिस्प्ले थी, उसको हमने हटा लिया है। ये सेपरेटर देख रहे होंगे आप जो रिफ्लेक्टर बोलते हैं इनको, इनको लेयर बाय लेयर उठा लेंगे और इनको ऐसा कैसा उठा के
समतल जगह पे इनको भी रख देंगे। ये आपको बैकलाइट दिख चुकी है, इन बैकलाइटों को अपन चेक करेंगे कि इसमें कौन सी बैकलाइट खराब है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि एक बैकलाइट सही है तो दूसरी लाके डाल दें, एक ही चेंज करें, नहीं, हम दोनों रिप्लेस करेंगे। रीजन ये है कि वोल्टेज डिसबैलेंस हो जाते हैं, पुरानी और नई के वोल्टेज मैच नहीं होते हैं, तो वोल्टेज जो है डिसबैलेंस होने के कारण ये जल्दी से खराब हो जाती है, इसलिए और नाजुक चीज रहती है डिस्प्ले, इसलिए बार बार खोलना ठीक नहीं है। इसलिए अपन जितने भी बैकलाइट हैं इसके अंदर वो सारी की सारी नई डालेंगे। रिफ्लेक्टर देख पा रहे होंगे, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब अपने पास बैकलाइट अच्छे से दिख रही होंगी। अब आपको इसमें दो बैकलाइट है, आपको शायद अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये अपन बैकलाइट जो है मार्केट से नई परचेज करके मंगा ली है, दोनों के दोनों आप देख सकते हैं। पहले मेरे पास जो है वो 6 बल्बों वाली थी, लेकिन अब अपन जो है वो 7 लैंप वाली बैक लाइट लगा रहे हैं और 3 वोल्ट का एक बल्ब है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अब चेक करके दिखा देते हैं आपको कि सही है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 19.2 वोल्ट दिखा रहा है, प्रत्येक बैक लाइट जो है आपके सामने जल रही है, ठीक है, और ये भी 19.2 की होनी चाहिए, ये भी 19.2 की है, सारी की सभी के सभी बैकलाइट जल रही हैं, ठीक है। तो दोस्त अब अपने को ये दोनों बैकलाइट जो है वो सीरीज में जुड़ी हुई थी, तो दोनों बैकलाइटों को अपन सीरीज में जोड़ देते हैं, पहले कनेक्शन करते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि हमने कैसे सीरीज में इनको जोड़ा है। आने के लिए जेक जो थे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अपन ने क्या किया, ये प्लस जो आया और प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये माइनस जो है ये अगली के प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया, और लास्ट में जो बचा माइनस माइनस के साथ जोड़ दिया। यानी कि अपने पास कनेक्शन करने के बाद में दो वायर बचे, एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि ये दोनों बैक लाइट जो है अपन ने सीरीज में जोड़ दी है। और एक लाइट एक बार फाइनल जो है टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, यह है। और माइनस के साथ माइनस लगा लेते हैं, प्लस के साथ प्लस, आप देख पा रहे होंगे दोनों बैक लाइट जो है अच्छी तरह से काम कर रही है। तो अब अपना बैकलाइट जो है इंस्टॉल यानी कि लगाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वापिस से इसके ऊपर पहले जो है वो रिफ्लेक्टर लगाएंगे, रिफ्लेक्टर के बाद में जितने भी सेपरेटर थे उनको लगाएंगे, बाद में उसका फ्रेम और डिस्प्ले बारी बारी से हम लगाने वाले हैं। उससे पहले आप इसको अच्छी तरह से साफ कर लें। मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया, और ये वायर जो दिख रहे हैं इनको मैं टेप लगा के सही से सेट कर लेता हूं ताकि ये हिले नहीं। बैकलाइट लगाने के बाद में ये जो आप देख रहे होंगे सेपरेटर पेपर है, तो इसको लगा रहा हूँ मैं, और इसकी जो साइड वाली जो रिंग है इसको भी सही से सेट कर लेता हूँ। इसके बाद में जो है इसके ऊपर रखेंगे डिस्प्ले, जिसको बिल्कुल हल्के हाथों से रखना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो डिस्प्ले आपकी टूट जाएगी। चारों तरफ की रिंग जो है वो अपन ने सही से अच्छी तरह से लॉक में बिठा ली है। पैनल को यहाँ से उठाएंगे डिस्प्ले को, और वहाँ ले जाके इसमें सेट करेंगे और अच्छे से सेट करेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर की जो रिंग है वो लगा देंगे। पैनल को इसमें से सही से देख लेना अच्छी तरह से, चारों कोने सभी कोने देख लेने, ऐसा तो नहीं है कि कोई सा कोना उठा हुआ हो, और वहां से उठा हुआ होगा तो वहां पे जैसे ऊपर की रिंग लगाओगे तो आपकी डिस्प्ले जो है करेक्ट हो जाएगी, तो यह आप ध्यान रखें। कॉप जो है उसका भी ध्यान रखना है, इसको भी ज्यादा हिलाना नहीं है, और मैं अच्छे से इसको एक बार सेट कर देता हूँ। डिस्प्ले की सपोर्ट रिंग आप देख पा रहे होंगे वो अपन ने अच्छे से लगा ली है, और अब बारी आती है इसके पेच लगाने की, स्क्रू लगाने की बारी आती है, एलवीडीएस लगाने की। तो एलवीडीएस के लिए ये जो जेक है इसको ऊपर कर लेंगे, और ये एलवीडीएस जो है हल्के हाथों से आराम से लगा लें, देता हूँ। ये एलवीडीएस लग चुकी है, और ये जो वीसीसी वाला जो हिस्सा है वो इस साइड में लगा देंगे, और ये जेक मैंने लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये जो एलवीडीएस इस पीसीबी स्केलर है इसको अच्छे से एक टैप के माध्यम से अपन सेट कर देते हैं, ताकि ये हिले नहीं, अन्यथा ये खराब हो सकता है। कई बार क्या होता है दाएं बाएं हिलता है तो ये खराब हो जाता है, तो इसके हल्के से एक टैप इधर लगा देता हूँ मैं, और एक टैप इधर लगा देता हूँ ताकि ये जल्दी से खराब ना हो, हल्के हाथों से लगाना है बस, ठीक है। इसके बाद में अब एक बार इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि क्या अपना टीवी जो है ऑन हुआ या नहीं हुआ। अपन ने जितने भी जैक निकाले थे, ये स्टैंड बाई और बटनों की जो रिबन है, और ये जो है एलवीडीएस का है,
और ये पीछे ये छोटे वाला ये बैकलाइट का है, ये स्पीकरों का है। जितने भी जेक निकाले थे अपने प्रॉपर यथावत स्थान पे लगा दिया और इसकी मेन पावर केबल को सप्लाई में लगा दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है। और टीवी को एक बार थोड़ा सा सीधा करके और इसकी स्टैंड बाई रिलीज करके देखते हैं। मैंने स्टैंड बाई का बटन दबाता हूँ और ये स्टैंड बाई रिलीज हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या टीवी ऑन होता है या नहीं होता है। देखो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे टीवी जो है अच्छे से ऑन हो चुका है और इसकी प्रॉपर डिस्प्ले जो है आ चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपके भी पास से आपके LED टीवी में आवाज आ रही है और पिक्चर नहीं दिख रही है तो आपसे अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे या कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी मदद ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।